नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि राजस्थान पुलिस की अभी एग्ज़ाम लगी थी, पुलिस कांस्टेबल और एसआई की। उनमें से अधिकतर प्रश्न हैं वो अपने इस चैनल के ऊपर वीडियो हैं उनमें से पूछे गए हैं, करंट अफेयर से संबंधित और मॉडल पेपर टेस्ट में भी कुछ प्रश्न आए हैं, वैसे भी ट्रिक में से भी कुछ प्रश्न आए हैं। तो देखो, आज अपन बात करेंगे वो है वन संपदा से संबंधित। वन संपदा के वो प्रश्न हैं जो अभी तक राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि कल जैसे ही राजस्थान पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हुआ, उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो रिपीट हुए हैं जो पहले के एग्ज़ामों में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा? 18 फरवरी 2010 को। कब की गई? 18 फरवरी 2010 को, आरएस प्री 2016 के अंदर। उससे पहले सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। देश की प्रथम वन नीति है, ये तो राजस्थान की है, देश की है प्रथम वन नीति, वो है 1952 के अंदर। और संशोधन वन नीति की बात करें तो वो जाएगी 1988। देश की प्रथम वन नीति 1952 और संशोधित वन नीति 1988। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है पट्टा रेख से? तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा आंकलित राजस्व। क्या हो जाएगा? आंकलित राजस्व। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो किस प्रकार की नहीं पाई जाती? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति नहीं पाई जाती राजस्थान में। और लाइब्रेरियन 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। चौथा प्रश्न है, 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है 31 मार्च 2011 की रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर एवं बारा जिलों में, उदयपुर एवं बारा जिलों में। यांत्रिकी डिग्री 2016 के अंदर ये पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो देखो, कौन सी क्रमावली सही है राजस्थान में वन प्रकार की? प्रयोगशाला 2016 के अंदर ये पूछा गया है। देखो, इसका उत्तर हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती, फिर आएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, फिर आएगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। यह आएगा इसका सही उत्तर, और प्रयोगशाला 2016 के अंदर यह पूछा गया है। नेक्स्ट है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। देखो, जयंत सिविन डिप्लोमा 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? देखो, यही प्रश्न है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था जो कल, उसके अंदर ये पूछा गया था। देखो, मार्च 2011 के अंदर की रिपोर्ट के अनुसार बताना था, और यांत्रिकी डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा था ये, और अब 2018 में राजस्थान पुलिस एसआई के एग्जाम में पूछ लिया, तो कितना प्रतिशत था उसमें? 56 था, तो 9.56 या 9.55 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लिया, ऐसे प्रश्न है ना, रिपीट होते हैं। तो नौवां प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? नारगढ़ के अंदर। कहाँ पर? नारगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011। देखो, वैधानिक स्थिति कौन सी? 31 मार्च 2018 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, सही उत्तर बताना है अपन को। ग्राम सेवक 2016 के अंदर ये पूछा गया था। देखो इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर ही बता देता हूँ। जो राजस्थान में यानी कि राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सबसे अधिक संरक्षित वन बारा व करौली जिलों में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देखो ऊपर वाला देखो। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित तथा संरक्षित वन क्षेत्र 55.84 व 37.94 है, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका गलत उत्तर। तो देखो जो आरक्षित वन है वो 37.63 है, कितना है 37.63, और इसमें कितना दे रखा है 55.84, तो दोस्तों ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आरक्षित वन है वो है 37.63 और सुरक्षित वन है वो है 56.68, तो दोस्तों पहला वाला गलत हो जाएगा और बाकी के जो तीन है वो बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है, तो किस श्रेणी में, सुरक्षित वन की श्रेणी में, तो सुरक्षित वन की श्रेणी में कितने हैं अभी मैंने बताया था, तो 56.68% ये है सुरक्षित वन के क्षेत्र में आते हैं। और कुल वर्ग किलोमीटर कितना है 18,408.87 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे जिले जिसमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है, तो खस कहाँ उगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर टोंक स्वाई माधोपुर। क्या हो जाएगा, भरतपुर टोंक स्वाई माधोपुर, सर्वाधिक खस है वो भरतपुर में उगती है, याद रखना। 14वां प्रश्न है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो कुल वन क्षेत्र कितना है 32,488 वर्ग किलोमीटर, कितना 32,488 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये सेकंड 2011 के अनुसार पूछा गया है, वर्तमान में 488 न होकर कितना है 32,828 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में जो कुल वन क्षेत्र। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से जिलों का युग राजस्थान में कथा यानी कि कथा का वानस्पतिक नाम क्या है, एकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है। तो देखो दोबारा देखो, निम्न में से कौन से जिलों का युग राजस्थान में कथा का मुख्य उत्पादक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर व चित्तौड़गढ़, कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। 16वां प्रश्न है, सन 2011-12 में राजस्थान के किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र था, तो 2011-12 के में पूछ रहा है, तो देखो करौली। अब देखो 2016 की बात है, 2011-12 का प्रश्न पूछा है, तो आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली। अब देखो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण। यांत्रिकी डिग्री 2016, कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि एक ही साल में दो बार ये पूछा गया। नेक्स्ट है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है, तो वो कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा सिरोही। क्या हो जाएगा, सिरोही। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरोही व उदयपुर, ये दो जिले हैं ये सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। नेक्स्ट है,
थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है तो कौन सा? थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी। किसको कहते हैं? खेजड़ी को। अब देखो 22वां प्रश्न, राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है तो राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रोयड़ा। 23वां प्रश्न है, राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का महत्व क्या है? तो अर्जुन वृक्ष का महत्व क्या है? तो यह परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया था। अगला है, राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी। 25वां प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर। आफ्रीका है जोधपुर के अंदर। 16वां प्रश्न है, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है तो कौन सा है? चूरू जिला। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। 27वां है, स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया? तो स्मृति वन जालाना जयपुर के अंदर विकसित किया गया है। 28वां प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? भीड़। देखो पटवार के अंदर पूछे गए हैं सारे के सारे, क्या कहा जाता है? भीड़। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले कौन से जिले हैं? तो सबसे अधिक आरक्षित वाले वन क्षेत्र हैं तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हैं। क्यों, कौन से हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। 30वां है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से। अब देखो, तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। किसे? प्रतापगढ़। 32वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देव वन किस जिले में है? तो किस जिले में है? कोटा जिले के अंदर। किसमें? कोटा जिले में। 33वां प्रश्न है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 13। कितने वन मंडल हैं? 13। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, ये हैं। और सबसे बड़ा वन मंडल है वो जोधपुर है, ठीक है ना? और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल कौन सा है? उदयपुर, ये याद रखना। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। और दोस्तों ये देखो, लाइब्रेरियन 2016 और सेकंड ग्रेड 2010 और पशुधन सहायक 2016 के अंदर ये पूछा गया है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पलास या ढाक, यानी कि ढाक का दूसरा नाम पलास है और पलास का दूसरा नाम है वो ढाक है, इसे जंगल की आग कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? तो कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 9%, 7 से 9%। और वर्तमान में कितना है? 9.63, ठीक है ना, 9.63%। अगला है, दामन करड एवं अंजन है, तो क्या है दामन करड और अंजन? तो राजस्थान में घास की किस्में जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रखत, काकड़, डांग और रुद, ये सभी क्या है? देखो रखत, काकड़ और डांग, रुद्र तो ये क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला देखो, अमृता देवी मृग वन स्थित है तो कहाँ पर है? खेजड़ली के अंदर। नेक्स्ट है, महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। 41वां प्रश्न देखो, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम भारत पाक सीमा के सारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज
क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली जो घास जो अत्यंत पौष्टिक होती है वो कौन सी है? सेवन घास। क्या हो जाएगा? सेवन घास। 42वां प्रश्न है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो कितने हैं? वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखो, रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? तो जोधपुर के अंदर की गई है। याद रखना, जोधपुर के अंदर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, सेवन क्या है? तो सेवन एक घास का नाम है। अगला है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। यह राज्य में वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/3 भाग पर। कितने? 2/3 भाग पर। 47वां प्रश्न है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो जैसलमेर में सेवन घास जो विस्तृत रूप से उगती है। तो दोस्तों, ये हो गया आज के अपने वन मंडल वन संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने देख लिया होगा कि कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं, कोई दूसरे एग्जाम में से पूछ के दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।